क्लास 11, ये आपकी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है और आज इसके लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। क्वेश्चंस आपके यहाँ दिए हुए हैं पेज नंबर 15 पर। तो ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं हमारे आसपास उनको क्लासीफाई क्यों करा गया अलग अलग तरीक़ों से, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। There are various kinds of life that differ in shape, size and color, etc. यानी जो अलग अलग टाइप की लाइफ है अर्थ पर वो शेप, साइज, कलर और बहुत सारी चीज़ों में अलग है। The biological diversity is the range of life occurring in biological world, यानी हमारे पूरे वर्ल्ड में जो एक रेंज है लाइफ की, कितनी अलग अलग वेराइटी है, उसे कहते हैं biological diversity. Approximately 1.7 to 1.8 million species have been described so far, यानी अभी तक 1.7 से 1.8 million species बताई गई हैं, but still other remains unidentified, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनको पहचाना नहीं गया है। Large areas of tropical rainforest and underwater reefs remain unexplored, यानी अभी भी बहुत सारे जो रेन फॉरेस्ट हैं उनके बड़े बड़े एरियाज़ हैं या अंडर वाटर की जो लाइफ है उसे अभी भी एक्सप्लोर नहीं करा गया है। सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, क्यों हम क्लासीफाई करते हैं इनको। पहला, हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स करना चाहते हैं, यानी हम पहले जो ऑर्गेनिज्म जीवित थे अब जो मर गए हैं उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो दब के मर गए थे जैसे डायनासोर। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट एरियाज़, अलग अलग एरियाज़ में क्या क्या एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तीसरा, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, के हम देखकर पहचान पाएँ कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, यानी हम समानताएँ देखते हैं दोनों के बीच में और असमानता देखते हैं कि क्या सेम है दोनों में और क्या अलग है। इवोल्यूशन ऑफ वेरियस टैक्सॉन्स, यानी कितने तरीके के टैक्सॉन्स आ गए हैं, क्या इवोल्यूशन उनमें हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, यानी क्लासिफिकेशन हर बार चेंज क्यों हो जाता है। द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम ऑर्गेनिज्म को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं क्या खूबियाँ हैं उसमें। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड आउट द वेरियस सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स फॉर शेल्टर, फूड एंड क्लोथिंग। Therefore, the earliest classifications were based on uses of various organisms. यानी पहले के टाइम में, जब बहुत अर्ली डेज में ह्यूमन बींग्स को अपने सोर्सेज ढूंढना पड़ते थे बेसिक, जैसे रहने के लिए जगह, खाना, कपड़े, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन बनाया था यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी क्या ऑर्गेनिज्म को वो यूज़ करते थे। बट नाउ द ह्यूमन्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज़, यानी अब ह्यूमन्स को इंटरेस्ट है कि वो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को जाने, उनकी वैरायटी को जाने एंड देयर रिलेशनशिप, और उनका आपस में क्या संबंध है। ऑल्सो सिंस देयर इज चेंज इन देम इवॉल्विंग विथ टाइम, तो ऐसा है कि अब टाइम के साथ में उनमें भी इवॉल्वमेंट आया है, उनमें इवोल्यूशन हो गया है। सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम, डीएनए मैचिंग आर कैरिड आउट नाउअडेज फॉर क्लासिफिकेशन, तो अब सेल का स्ट्रक्चर देखकर हम क्लासिफाई करते हैं, क्रोमोसोम्स देखते हैं, डीएनए देखते हैं और उनको क्लासिफाई कर देते हैं। व्हाट आर डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन, यानी आप जिन लोगों से मिलते हैं आप उनको किस क्राइटेरिया के हिसाब से डिवाइड करेंगे या क्लासिफाई करेंगे। द सिस्टमैटिक्स टेक इन टू अकाउंट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, फैमिली मेम्बर्स, क्लासमेट्स, अडल्ट, सीनियर्स, सेक्स, हाइट, प्लेमेट्स एंड रिलेटिव्स, यानी ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम देख सकते हैं, जैसे कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ हमारे क्लासमेट्स होते हैं, या फिर अडल्ट्स यानी बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं, सेक्स के हिसाब से मेल और फीमेल, हाइट, प्लेमेट्स जिनके साथ हम खेलते हैं, या रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार। द ऑर्गेनिजम्स आर पुट इनटू वेरियस कैटेगरीज, ये अलग अलग कैटेगरीज में हम रखते हैं। द बेसिक नीड इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स पता होने चाहिए। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग, ये हमें पहचानने में मदद करता है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म में क्या एक जैसा है और क्या अलग अलग है। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, हम क्या सीखते हैं आइडेंटिफिकेशन से। फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन यानी पहचानने से हम क्या सीखते हैं। वी लर्न देयर करेक्ट साइंटिफिक नेम्स, हम उनके साइंटिफिक नेम जानते हैं।
एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी आप किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे. द टैक्सोनॉमिक कीज आर टूल्स विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी अभी हम आगे देखेंगे टैक्सोनॉमिक कीज जो होती हैं वो टूल्स हैं जो हमें इस काम में मदद करती हैं. पॉपुलेशंस आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, दे रिमेन सिमिलैरिटी अमंग मेम्बर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी एक ही पॉपुलेशन के मेम्बर्स में सिमिलैरिटीज होती हैं. द इंडिविजुअल पजेस स्पेसिफिक यूनियन ऑफ कैरेक्टर नॉट अकरिंग इन अदर मेम्बर्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी उसके पास स्पेसिफिक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो अलग ऑर्गेनिज्म में आपको नहीं मिलेंगे. बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटर्न नेम. कौन सा नेम करेक्टली रिटर्न होगा? मैग्निफेरा इंडिका. सेकेंड, इट इज़ अ बाइनोमियल नेम, यानी दो उसमें यूज करेगा इसलिए बाइनोमियल है, मैग्निफेरा इंडिका. मैग्निफेरा रिप्रेजेंट जीनस, पहला नाम हमेशा जीनस होता है और दूसरा जो है वो स्पीशीज बताता है. बायोलॉजिकल नेम हमेशा इटैलिक्स में लिखे होते हैं, पहला वर्ड जीनस है, सेकंड स्पीशीज है. जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और जो सेकंड वाला रहेगा यानी कि स्पीशीज वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, इसलिए हमने सेकेंड वाले को चूज़ करा. नेम ऑफ द ऑथर भी आ जाता है कई बार इसके पीछे, जैसे लीनियस आ सकता है क्योंकि ये स्पीशीज पहली बार लीनियस ने बताई थी. Define a taxon, give some examples of taxa at different hierarchic levels. Taxon पहली बार ICBN ने introduce करा था 1956 में, जिसका मतलब होता है कि एक rank, एक दर्जा देते हैं आप. It is a unit of classification, यानी ये भी एक classification की unit है, ये category है. In classification, all the categories constitute taxonomic hierarchy and is every step is rank. हमने देखा है हर एक rank रहती है. Mayer defined it as taxonomic group of any rank that is more or less distinct to be worthy of assigned a defined categories. All tigers form a specific taxon, Panthera. Yani jitne bhi tigers hain, hum unki ek specific species taxon mante hain, bolte hain Panthera. Jisme pura organism aa jata hai. Sare plants ek taxa hain, wheat ek taxa hain, mammals, dogs, ye sab ek taxa hain. Can you identify the correct sequence? Correct sequence hota hai स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम और किंगडम. ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्पीशीज, आपको इसके मीनिंग ढूंढना है. डिस्कस विद योर टीचर एंड द मीनिंग ऑफ स्पीशीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड. यानी हर किसी में स्पीशीज का मतलब अलग होगा क्या, ये आपको देखना है. स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज़म्स का जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, समान बातें होती हैं. जैसे मैग्निफेरा इंडिका, इसकी रैंक सबसे कम होती है क्लासिफिकेशन में, हमने अभी देखा था ऊपर. हमने शुरुआत किससे करी थी, स्पीशीज़ से. स्पीशीज़ इज़ डिफाइंड एज वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. यानी एक ही तरीके के ऑर्गेनिज़म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने जैसे ही फर्टाइल स्प्रिंग बना सकते हैं. Higher plants, animals and bacteria are related on distinct morphological differences. Free interbreeding and reproductive isolations are not applied to bacteria. यानी ये चीज़ें bacteria में apply नहीं होती हैं. Species is a group of natural population of individual having similar morphological anatomy, cytology as well as physiology. यानी एक definition ये भी है कि ये group होता है natural population का जिसमें आपकी मॉर्फोलॉजी यानी आप बाहर से कैसी आपकी दिखने में अपीरियंस है वो सेम होती है, एनाटॉमी भी सेम होती है, साइटोलॉजी भी सेम है और फिजियोलॉजी भी आपकी सेम है. डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स. फाइलम, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस. जब क्लासेस एक जैसी क्लोजली रिलेटेड हो जाती हैं जिनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, उनके अपेंडेजेस जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं. क्लास, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग सम कॉमन कैरेक्टर, जैसे कि इंसेक्ट स्पीशीज में थ्री पेयर्स ऑफ लेग होते हैं. फिर आती है फैमिली. फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी जैसे फैमिली कंपोजिटी में कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है. ऑर्डर, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होती हैं जिनके पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मैमल्स कार्निवोरस होते हैं. जीनस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने अभी पैंथेरा पढ़ा था. हाउ इज की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स.
इट इज़ अ टैक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म. ये एक टैक्सोनॉमिकल एड है जिसमें हम अननोन ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर बांट देते हैं. ये कपलेट पर बेस्ड होती है, यानी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी एक कुछ सेम कैरेक्टर है तो एक डिफरेंट कैरेक्टर होगा. हर स्टेटमेंट को इसमें लीड बोलते हैं. देर आर एनाटिकल इन नेचर एंड सेपरेट कीज आर नीडेड फॉर एवरी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. हर कैटेगरी के लिए अलग चाहिए होता है, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. कीज आर यूज टू नोन द फाइलम, यानी इससे हम फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑर्गेनिज्म का पता करते हैं. इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल. टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में स्टेप्स आती हैं एंड ईच स्टेप इज कॉल्ड अ रैंक और कैटेगरी. हर कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जैसे कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. जैसे हम एग्जांपल लें मैग्नीफेरा इंडिका का, तो मैग्नीफेरा इंडिका जीनस है, स्पीशीज इंडिका है, कंप्लीट नेम मैंगो का ये होता है. ऑल रिलेटेड स्पीशीज फॉर्म द नेक्स्ट रैंक जीनस, यानी रिलेटेड जेनेरा को फिर हम फैमिली बनाते हैं, जैसे पेटूनिया जिसमें सोलेनम, धतूरा, ये तीनों हैं सोलेनेसी फैमिली के. ऑल फैमिलीज मेक ऑर्डर, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है जिसमें सोलेनेसी और कॉर्न बुलबुलेसी आ जाते हैं. रिलेटेड ऑर्डर से क्लास बनती है, ऑर्डर प्राइमेटा और कार्निवोरा इंक्लूडेड होते हैं मेमेलिया में, और फिर क्लास बनती है जैसे कि पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, ये सब मिलके फाइलम कॉर्डेट में आते हैं, और फिर ये फाइलम जो है ये किंगडम एनिमेलिया में आता है, जो कि सब एट लास्ट एनिमल्स होते हैं. जैसे ये ह्यूमन बींग्स, एनिमल, मैंगो, प्लांट, ये एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेट, होमिनेट, होमो सेपियंस. ठीक है, तो ये हमने कैसे शुरू करा है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फ्लाइलम और आखिरकार किंगडम. ऐसे ही प्लांट्स में है कि मैंगो प्लांट है, एंजियोस्पर्म होता है, डाइकोटिलेडॉन होता है, सेपोनडेल्स, एनाकार्डियेसी और मैग्नीफेरा इंडिका. तो ये जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं ये फिनिश हो गए. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. नेम द पर्सन हु प्रपोज द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. कैरोलस लीनियस, 1969. नेम द पर्सन हु प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. आर एच विटेकर, 1969. डिफाइन नोमेनक्लेचर. द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिज्म विद अप्रोप्रिएट एंड डिस्टिंक्ट नेम इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. एंड नोमेनक्लेचर क्या होता है, आप किसी ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नेम दें जो बाकी सब नेम से अलग हो. वॉट इज़ अ ट्राइब, ये एक इंटरमीडिएट कैटेगरी होती है फैमिली और जीनस के बीच में. वॉट इज़ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप्स, जब आप बांट देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को. टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म. हु इंट्रोड्यूस द टर्म स्पीशीज, जॉन रे. वॉट इज बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जब हम बांटते हैं तो उसे ये कहते हैं. डिफाइंड द टर्म स्पीशीज, स्पीशीज में भी डिफाइंड एज वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में और ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं. स्टेट द हायरार्किकल सिस्टम, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और लास्ट में किंगडम आ जाता है. नेम द थ्री कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, क्या है तीन कोड्स नोमेनक्लेचर के. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल, जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. हु रोट सिस्टम ऑफ नेचर, कैरोलस लीनस इन 1758. डिफाइन अ रेस, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ स्पीशीज दैट फॉर्म नियरली अ परमानेंट ब्रीड, जो एक जैसे ही होते हैं सब, उन्हें रेस बोल दिया जाता है. डिफाइंड सिस्टमैटिक्स अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, सिम्पसन डिफाइंड सिस्टमैटिक एज स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपेरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. यानी जो ऑर्गेनिज्म के आपस के डिफरेंसेज हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं और आपस के रिलेशनशिप्स हैं, उनकी स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं. हु कॉइंड द टर्म स्पीशीज, जॉन रे कॉइंड द टर्म स्पीशीज फॉर ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म. गिव द टू नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायनोमिकल, नॉर्मल क्लेचर. नेम सम इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, डीम, क्लीन, वेराइटी, फॉर्म. गिव द नेम ऑफ गुलाब इन हिंदी, इन बांग्ला एंड तमिल लैंग्वेज. गुलाब इज कॉल्ड गोलप इन बांग्ला एंड रोजापो इन तमिल. एक्सपांड ICBN, ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर. गिव द साइंटिफिक नेम्स ऑफ मैंगो, मैन, पोटैटो एंड लॉयन. मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका, मैन होमोसेपियंस, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम,
एंड लॉयन पैंथेरा लियो. गिव द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन रैंक और कैटेगरी. गिव बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ फॉलोइंग लॉयन लेपर्ड टाइगर पैंथेरा लियो पैंथेरा पार्डस पैंथेरा टिग्रिस. What are broad categories? Species to kingdom. Name two subcategories, subclass, subphylum. What are taxonomical aids? Herbaria, zoological park, zoos, manuals, botanical gardens and keys. How many zoological parks occur in India? Above 300. Name the four main categories of zoo. Mini zoo, small zoo, medium zoo and large zoo. Where was the first zoological museum started? In Kolkata. Does a zoological museum display animate or inanimate object? यानी zoological जो museum होते हैं उसमें living organism दिखाए जाते हैं या non-living, तो inanimate. Name the three fields of systematics, nomenclature, classification and taxonomy. Who proposed hierarchy of categories? Carolus Linnaeus. Name the three international codes, ICBN, International Code of Botanical Nomenclature, ICZN, International Code of Zoological Nomenclature and ICNB, International Code of Nomenclature of Bacteria. What is meant by identification of species? The identification is aimed at finding correct name and proper position for species established scheme of classification. Yani identification, ki aap correct name de, usko ek proper jagah de classification mein. What is a lead? Each statement in a key is called lead. Who gave the binomial system of classification? Carolus Linnaeus. What is the expected number of organism species which may be found living today? 5 to 30 million species. What is the basic unit of classification? The basic unit of classification is the species. What is a genus? It is defined as group of related species. What are the two basic functions of biological classification? Recognition and description of species. यानी उनको पहचानना, उनके बारे में बताना और ग्रुपिंग करना. ग्रुपिंग द स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड रिलेशनशिप. उनमें आपस में क्या क्या समानताएं हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, उस हिसाब से ग्रुपिंग करना. गिव द टर्म गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट कीमो टैक्सोनॉमी. विच हैव मोर नंबर ऑफ स्पीशीज अ फैमिली और एन ऑर्डर अ फैमिली. वॉट आर टैक्सोनॉमिक कीज. अ टैक्सोनॉमिक की इज अ डिवाइस बाई विच ईच टाइप ऑफ ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई. जिससे अलग अलग ग्रुप को हम पहचान सकते हैं. Give an example of genus with a single species. Genus Homo, क्योंकि हम इसमें देखते हैं Homo sapiens, एक ही species आती है इसमें humans की. Name the scientist who made the earliest attempt to the classify living organism. किसने सबसे earliest attempt दिए थे classify करने के? Aristotle ने. What are tautonyms? The name with same generic as well as species name. जैसे rattus, rattus. तो इसमें genus का name भी same है और species का name भी same है. What is law of priority? Law of priority. The first legitimate name is recognized valid in case of an organism has been given more than one name. यानी अगर कोई organism है जिसे एक से ज़्यादा नाम दे दिया गया है कहीं पर, तो जो पहला उसे नाम दिया गया था हम उसी को ही legitimate मानेंगे, यानी उसी को हम सही मानेंगे, उसी को हम priority देंगे. For what trinomial nomenclature is used? क्यों trinomial हम use करते हैं? To describe a subspecies, जैसे homo sapiens, humans की species. What is phenetic classification? It is based on overall similarity of organism, यानी कि जो पूरी similarities हैं उनकी पूरी समानताएँ हैं उस पर based हैं. Evaluated with no aspect of phylogeny. What is cladistics? Method of classification that is modern but based on evolutionary history. जो हम evolution कैसे हुआ था उस history के हिसाब से जब classify करते हैं. What is dendrogram? Phylogenetic tree. What are zoological parks? Name the largest zoo of the world. The zoological parks are places where wild animals are kept in protected environment. ऐसी जगह जहाँ पर जंगली जानवरों को एक सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है under the human care. जब हम humans के under में उनको रखते हैं, ध्यान रखते हैं उनका. The largest zoo of the world is located in Kruger, South Africa. सबसे ज़्यादा बड़ा zoo है वो पूरे world का. What is a botanical garden? It is essentially a collection of living plants that are maintained for study. Yani aise living plants jinko hum study karne ke liye ek jagah par rakhte hain, to use hum botanical garden bolte hain.